तो भाई छुट्टी का दिन है और मुझे चाहिए कुछ नए प्लांट्स और एक्वेरियम के लिए न्यू फिशेस। सो मैं आ गया हूँ कुरला मार्केट। तो फिशेस तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया है, बट जो हमें अपने एक्वेरियम के लिए चाहिए वो भी इनके पास अवेलेबल है। प्लेकोस की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साफ़ करने से ज़्यादा गंदा कर देती हैं। और ये है वो फिश जिसकी मैं बात कर रहा था। ना ना, ये अमानो श्रिम्प नहीं है, ये है इंडियन ग्रीन श्रिम्प। यूजुअली लोग इन्हें इंग्लिश में घोस्ट श्रिम्प भी बोलते हैं। दिखती अमानो श्रिम्प जैसी है बट और काम भी वही करती है। बस यही है कि इंडियन है, इस वजह से प्राइस कम है। बहुत रेयरली मिलती है मार्केट में, तो हम एक या दो नहीं उठाने वाले, हम उठाएंगे सीधा एक डज़न। वैसे हमारा टैंक भी बहुत बड़ा है, 120 लीटर्स, तो ये काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाएंगे अपने टैंक में। ये सारी फीमेल बेटाज हैं, बाकी अंदर और भी कुछ मछलियाँ हैं। वैसे मैं इस वक्त हूँ त्रिशक्ति फ़िश शॉप पे, और इनका काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ की फ़िशेज़ और एक्वेरियम प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए भैया जी को बोलते हैं, भैया पैक कर दो। दिख तो काफ़ी हेल्दी रही हैं, घर पे जाके एक्लेमेटाइज करेंगे, देखेंगे क्या है सीन। बाकी इनके पास पैरेट्स है, लव बर्ड्स है, रैबिट्स, फिशेस भी बहुत टाइप के होलसेल भाव में। तो अगर यहाँ आ रहे हैं तो एक या दो फिश के लिए ना आए, या तो दर्जन लीजिए या और ज़्यादा, वो बेटर रहेगा प्राइसिंग के हिसाब से। ये है इरिडेशन शार्क के बच्चे, और ये फीडर फिश लग रही है। ये है पाकू पिराना, मस्त लग रही है यार। और ये है प्लांटेड एक्वेरियम वालों के लिए खजाना। काफ़ी टाइम देखने परखने के बाद मैंने कुछ प्लांट्स उठा लिए, घर जाके आप लोग को खोल के दिखाता हूँ क्या है ये चीज़। यहाँ पर गुरामीज हैं, पैरेट्स, पिजन्स, नीचे पता नहीं कौन सी है। प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी लग रही है इनकी। चलो अब दूसरे शॉप में चलते हैं, और यहाँ से हम उठाने वाले हैं एक दूसरी फिश जो मैं पहले ही देख के गया था, और अब यहाँ आके वो भी लूँगा। इनके पास तो और भी ज़्यादा वैरायटीज़ है, और इनका ये जो 1 फुट का प्लांटेड टैंक है, आहा, ज़बरदस्त। गाइस ये है वो प्लांट्स, ये है वेलसेनेरिया, और ये है वेलसेनेरिया एसपी मिनी ट्विस्टर। अब फ़िलहाल के लिए तो डाल देते हैं इसको मेरे बेटा फिश के टैंक में, जिसमें मैं अपना यूजुअली मॉस, रिकार्डिया वगैरह रखता हूँ, और जाव फंस वगैरह ग्रो आउट होने के लिए। बेटा को कैसा लगेगा अभी देखते हैं, ज़्यादा देर के लिए परेशान नहीं करेंगे उसको, बस जब तक टैंक सेट हो रहा है। और ये अपना कछुआ 13 साल का हो चुका है भाई, इसको भी डाल देते हैं। टैंक वैसे पूरा साइकिल्ड है, प्लांट को इश्यू तो होना नहीं चाहिए। मच्छी अपनी बेटा सोचते हुए यार दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसको घुसा देता हूँ इधर, वैसे ये मेरे बेटा का बेडरूम है, मस्त रात को जाके इसके अंदर ही सोता है वो। मॉस लग गया हाथ पे। जब तक अपना बेटा नए प्लांट्स के मज़े ले रहा है, तब तक एक्लिमेट करते हैं अपने नए फिशेस को। मैं दिखाता हूँ आपको नया फिश जो मैं लाया हूँ, ये है। इसके लिए खास कर मैं गया था कुरला, ये है अपने अल्बाइनो कॉरिडोरस, एक दर्जन है ये। और ये है अपने ग्रीन श्रिम्प, डाल देते फ़िलहाल तो इसको टैंक में एक्लिमेटाइज होने के लिए आधे 1 घंटे के लिए। एक बार टेम्परेचर मैच हो जाए उसके बाद हम लोग इसको अपने टैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अपना टैंक डाल देता हूँ कुछ टाइम के लिए, मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो आधा 1 घंटा हो गया,
अब डालते हैं अपने एल्बाइनो कोरीज को, जबरदस्त ब्लैक ग्रेवल में इनका वाइट कलर उठ के दिखेगा। निकल भाई। ओके, अब निकालते अपने ग्रीन श्रिम्स को नेट में और फिर इंट्रोड्यूस करते टैंक में। ये भी वाइट कलर की हैं तो ब्लैक ग्रेवल में इनका कलर उठ के दिखेगा। काम तो ये श्रिम्प भी वही करेंगी जो अमोनो श्रिम्प करती है, जैसे कि एल्गी खाना। अब देखते अपने टैंक में ये क्या कमाल दिखाती हैं। लोग मोस्टली कलरफुल श्रिम्प्स के पीछे भागते हैं, बट ये श्रिम्प डालना भी ज़रूरी है कि ये अपने क्लीन अप क्रू वाला काम करेगी। कुछ भी अनवांटेड फूड या मरी मछली भी ये सब खा लेंगे नीचे से, और टैंक में नाइट्रेट की लेवल कम करेंगे। अब डालते हैं अपने श्रिम्प्स को। ये गए, काफ़ी छोटे हैं फ़िलहाल तो कैमरा पिक नहीं कर पा रहे। और ये आखिरी वाला भी गया। मेरी फिश यही सोचती होंगी कौन है ये लोग भाई, कहाँ से आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फिश हो गए टैंक में, बट इशू नहीं है कि हम और भी प्लांट्स डालने वाले हैं और देखेंगे अभी टैंक कैसा लगता है प्लांट्स और नए फिश के बाद। और ये अपना एक्वेरियम लग रहा है काफ़ी शानदार, सारे प्लांट्स और नई मछलियाँ डालने के बाद। कॉरिडोरा काफ़ी एक्टिव लग रही है और अच्छे से एक्लेमेटाइज हो गई, इसका मतलब है एक दो कॉरीज थोड़ा शौक में, बट थोड़े टाइम में वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। श्रिम्प्स भी मज़े कर रही हैं। ब्लैक ग्रेवल पे दोनों मछलियों का कलर बहुत मस्त दिख रहा है, और पीछे अपना एसपी मिनी ट्विस्टर भी कुछ कम नहीं लग रहा। देखते हैं बाकी मैंने और क्या लिया है। ये है आरएस इलेक्ट्रिकल का एक छोटा सा एयर पंप सिंगल वाल वाला मेरे बेटा फिश के लिए। काफ़ी साइलेंट है, टेंशन नहीं। अब बाकी मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैंने क्या क्या लिया है और इसकी प्राइजिंग्स क्या क्या है, और ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कुर्ला मार्केट से लेना कितना अच्छा रहता है। तो ये है सारी चीज़ें और इक्विपमेंट जो हमने लिए कुर्ला मार्केट से। आप देख सकते हैं काफ़ी सस्ता पड़ा है और सिर्फ 950 में हमारा सारा काम हो चुका है। तो कुर्ला मार्केट जाना बहुत फ़ायदेमंद हुआ। आप देखो अपना नया टैंक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।